नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक अहम मुद्दा जिसे दरभंगा की वो जनता जो गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, भू माफियाओं का संकट लगातार है, इस मुद्दा कमज़ोर नहीं है। और हम बता दें सभी, कुछ दिन पहले ही दरभंगा डीएम और एसएसपी ने भूमि विवाद और विधि व्यवस्था को लेकर के एक बैठक की थी और कहा गया था कि थाने में सबसे पहले जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसको संज्ञान, वरना हत्या हो सकती है। तो अभी बैठक हुई थी उस समय आप डीएम, तो क्या लगता है कि थाना पर इस तरह की बैठक हो रही है, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है कि गंभीर मुद्दे का समाधान हो रहा है? बैठक अभी सभी थानों पर हो रही है नियमित रूप से। आज मतलब हर शनिवार को हम लोग रिपोर्ट भी लेते हैं शाम को और उसका रिव्यू भी होता है, प्लस हमारे और डीएम सर के स्तर से मंथली हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। बैठकें तो कंटिन्यूस हो रही हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो थाना अंचल या जिला लेवल के भी स्तर से उसका समाधान हो पाना संभव नहीं होता है, जो कि माननीय न्यायालयों में ही उसका समाधान हो पाएगा। तो ऐसे मामलों को हम लोग रेफर करते हैं, उनको कहते हैं कि आप संबंधित कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखिए। लेकिन कई चीज़ों का निपटारा हो रहा है, उसमें बहुत सारे मामलों का निपटारा हो रहा है माफ़ी करके या समझौता करके, तो उससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आगे और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर, प्रायोरिटी बेस पर क्या लोग सेलेक्ट करते हैं कि किस थाना क्षेत्र में कौन से प्रायोरिटी पर जिस पर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है या हो सकता है संभावित, तो क्या वो लोग प्रायोरिटी बेसिस पर केस सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं दोनों पार्टी को? निश्चित रूप से, क्योंकि हर शनिवार को होना है तो संवेदनशीलता के आधार पर चिन्हित किए गए हैं सभी जो विवाद थानों पर लंबित हैं, उन सबको संवेदनशीलता के स्तर पर आधार पर चिन्हित किया गया है। जहाँ माफ़ी की आवश्यकता उसको प्रायोरिटी पर माफ़ी करवा रहे हैं लोग, अमीनों की संख्या भी बढ़ी है इधर, तो उसका निपटारा हो रहा है और प्रायोरिटी बनाई गई है, सभी थानों में प्रायोरिटी बनाई गई है। कुछ घटनाएं अभी भी होती हैं, लेकिन ऐसा है कि जो घटनाएं हैं वो स्पर ऑफ द मोमेंट होती है, कोई प्री प्लान्ड उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कभी हुआ बातावाती हुई उसमें अचानक से मारपीट हो जाती है, तो उसमें घटनाएँ घटित हो जा रही हैं। लेकिन कोशिश हम लोग की है कि जितने मामले हैं ऐसे ज्वलंत मुद्दे अगर हैं, लगता है कि विधि व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ सकती है, तो संबंधित पार्टियों पे वहाँ पे 107 144 की कार्रवाई भी की जा रही है थाना स्तर से, और हम लोग कोशिश में यही रहते हैं कि वहाँ पे विधि व्यवस्था कायम रहे और जिसका वाजिब हक हो उसको हम लोग दिला सकें। सर, एक और आर्थिक अपराध इकाई है जो कि जिले में आपके द्वारा भी उस पर ध्यान की, कैसे लोग हैं जो अचानक पैसे कमा रहे हैं, जैसे भू माफिया हो या कोई शराबकारी हो, क्या आर्थिक अपराध अनुसंधान कार्यरत है और लोगों की लिस्ट बने हैं कि नहीं? लिस्ट तो अभी नहीं मिली है। हम लोगों ने सभी थानाध्यक्षों को कहा है कि अपने एरिया के चौकीदार, दफादार या जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अपने स्पाई होंगे, अपने जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, उन सभी को इसमें लगाएं। गांव एरिया में चौकीदारों के लिए आसान है पता करना कि किस व्यक्ति ने उनके इलाके में पिछले 6-7 साल में संपत्ति अर्जित कर ली हो, ज़मीन खरीद लिया हो, नया मकान बना लिया हो, गाड़ी ले लिया, ऐसे लोगों की सूचना हम लोग जो चौकीदारों की बैठक होती है थाना स्तर पर उस पर उनसे लेते हैं। तो वो सूची अभी कंपाइल नहीं हो पाई है, सूची बनेगी तो उस पर फिर हम लोग आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अंतिम सवाल, सर, गुंडा पंजी ही इस अपराधियों पर अंकुश लगाता है, गुंडा पंजी को क्या इस बार उसको इम्प्रूव किया गया है या फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है? पैरेड कराया जाता था, वो कराई जा रही है? गुंडा पंजी में हर माह निरंतर अपडेट हो रहा है उसमें और सभी थाने उसमें भेज रहे हैं, और हर महीने मुझे लगता है करीब करीब 150-200 लोगों की प्रविष्टि नहीं हो रही है। जो पुराने हैं, जो लोग पुराने हो चुके हैं उनका नाम हटाने की भी हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। गुंडा परेड कुछ थानों ने करवाया है लेकिन सभी थानों में करवाना है और हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी थानों में कर लें। उसके साथ साथ उन लोगों की एक अलग सूची भी बनाई गई है, गाँववार हम लोग बनाए हैं, विलेज क्राइम नोटबुक है, वो सभी जगह पर पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद वो सभी थानों ने बना रखी है गांववार अपराधियों की सूची। अपराधी हो या गुंडा किस्म के व्यक्ति हो या मनोड़ो किस्म के व्यक्ति हो, कोई केस हो तब भी, नहीं हो तब भी,
सभी लोगों की सूची बनाई गई है और सब पे निगरानी हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूची अभी करीब 8,500 लोगों के ज़िले में बन चुकी है और उसमें और भी अपडेट होने की संभावना है। तो हम लोग सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं कि क्राइम को प्रिवेंट भी किया जा सके। डिटेक्शन एक अलग पहलू है बट क्राइम प्रिवेंशन पहला फोकस होना चाहिए, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो धनबाद, हम बता दें जिला पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है भूमाफियाओं के साथ जो हो रही है विधि व्यवस्था की समस्या। आने वाले मुहर्रम से लेकर के अन्य सभी थाना क्षेत्र में जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो कि विधि व्यवस्था के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तेरे बिहार मित्र, धन्यवाद।